Today I'm going to discuss some important idioms. So let us start. The first one is run of the mill. Run of the mill, it means we are talking about the ordinary people. What is the meaning of run of the mill? We are talking about the ordinary people. Ordinary people means जो काफ़ी ज़्यादा साधारण हो, जो जनरल हो, मतलब कि हमारे जैसे वो नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल ऑफ द रोस्ट का मतलब होता है द मोस्ट इफेक्टिव इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रभावशाली होगा, ठीक है। इट मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ समवन विच इज़ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल द रोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टू किस द रेड का मतलब क्या होता है, टू किस द रेड मतलब टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट ग्लैडली मीन्स कि किसी भी पनिशमेंट को एकदम खुशी खुशी क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फर्दर चेक करते हैं। स्पिन अ यार्न का मतलब क्या होता है, स्पिन अ यार्न का मतलब होता है टू कंपोज एन इमेजिनेशन इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट काल्पनिक बातों को कंपोज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्योर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन मतलब जो काफ़ी ज़्यादा अजनबी हो, जिसकी हरकतें दूसरों से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट टू ओपन द डोर का मतलब होता है टू बी अलर्ट, हमेशा अटेंटिव रहना, हमेशा माइंडफुल रहना, ठीक है। नेक्स्ट ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है एन अपील ऑफ पीस मतलब किसी से शांति की अपील करना। ऑफ नो अवेल का मतलब समझते हैं, ऑफ नो अवेल का मतलब जिसका कोई रिजल्ट ना हो, जिसमें हम लोग फेल हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट मेक हेड और टेल का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना बातों को, समझना उसकी, दूसरों को मोटिवेट करना, उसके लिए अप्रिसिएट करना। नेक्स्ट एट द रेट ऑफ नॉट्स का मतलब होता है टू किल समवन। एट द रेट ऑफ नॉट्स का मतलब क्या होगा, टू किल समवन। नेक्स्ट